नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओमर। दोस्तों, जैसा कि अब आपको पता है, हम आपको श्रृंखलाओं में सामग्री देते हैं, तो उसी श्रृंखला में अब हम एक वो विषय लेके आए जिसकी बहुत दिन से डिमांड हो रही थी। पहले से हम इस पर बहुत कुछ दे चुके हैं, लेकिन फिर ये हो रहा था कि बहुत दिनों से आपने इस विषय पर कुछ बताया ही नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्त्री वशीकरण। स्त्री वशीकरण के उपाय मैं आपको बताऊंगा, और स्त्री वशीकरण के सीधे उपाय नहीं बताने चलता हूँ आपको, मैं आपको उसके साथ साथ जुड़ी चीजें भी बताना चाहता हूँ कि वशीकरण है तो वशीकरण से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, वो चीजें जरूर मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले की दो चार एपिसोड जरूर देखिए जिनमें स्त्री वशीकरण के समय आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले नियम और सावधानियां क्या है यदि आप स्त्री वशीकरण करने जा रहे हैं। पहले तो मंत्र जाप के समय उचित आसन में बैठिए, और अगर कोई माला बताई गई है तो माला आप अपनी मध्यमा उंगली, ये उंगली और अंगूठे, इनके बीच में माला पकड़ के आपको फिरानी है। ये नियम है पहला। मंत्र का जाप जहां तक हो बुदबुदाते रहे, मतलब ये नहीं बहुत तेज भी ना हो बहुत हल्के ना हो, मन में ना करें, बुदबुदाते रहे तो वो अच्छा है, हल्के हल्के बोलते रहे। मंत्र कीलित होते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो उन्हें उत्कीलित या निष्कीलित जिसे कहना चाहिए, वो करने के लिए अगर सीधे कोई नहीं लिखा तो आपको मैं राय देता हूं कि भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध की स्याही से आप उसे लिख के और उसकी धूप दीप नैवेद्य आदि से पहले ही पूजा कर ले, उससे भी मंत्र का उत्कीलन होता है। वैसे हम बताते हैं आपको मंत्र के शुरू में और लास्ट में आप ओम लगा दे तो भी उसका निष्कीलन हो जाता है। तो अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र के ऊपर आपने लिख लिया, फिर एक तांबे के पात्र में पानी भरकर जिस लिखे हुए मंत्र पे वो पानी आप डालते जाएं, तो इस तरह से 108 बार जाप करने और इस बीच में जल चढ़ाते रहने से मंत्र का निष्कीलन हो जाता है। तो ऐसे मंत्र लिखकर उसका पूजा करके उसका निष्कीलन करके उसे किसी नदी या तालाब में आप बहाएं। एक और चीज है, बहुत प्रचलित जो शापर मंत्र है उनके निष्कीलन की आवश्यकता नहीं होती, अधिकतर वो पहले से निष्कीलित होते हैं। और क्या क्या बातें करनी चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए स्त्री वशीकरण के काम करने से पहले, वो मैं आपको बताऊंगा। इस श्रृंखला को अभी आप देखते रहिए, साथ में आपको वशीकरण भी बताऊंगा। वशीकरण बहुत सारे अपीयर मेरे पास, और मैं वशीकरण के यंत्रों पर अभी ध्यान दूंगा इस कड़ी में। देखते रहिए हमारे चैनल ओम आलोक, फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।